नमस्कार, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में हर एक जानकारी, तारीखों से लेकर आरक्षण पर अभी तक की क्या बड़ी खबरें सामने आ रही है। अगर आप भी बनना चाहते हैं सरपंच, अगर आप भी बनना चाहते हैं वार्ड पंच, तो कितना खर्चा आएगा यह भी आपको बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो दूसरे लोगों को चाहिए, जिन्हें ये वीडियो देखना चाहिए, तो उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं उसी मुद्दे की जिस मुद्दे को तारीखों से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। अब कहां पर कैसा आरक्षण रहेगा, आरक्षित सीट रहेगी या फिर अनारक्षित, ये सभी लोगों के जहन में एक सवाल जो घूम रहा है। और इस सवाल के कारण कई सारे जो संभावित प्रत्याशी है वो पूरी तरीके से अपना चुनावी प्रचार भी नहीं कर रहे। अब ऐसे में आपके दिमाग में भी यही सवाल होगा कि आपके गांव की सीट आरक्षित रहेगी या अनारक्षित। फिलहाल सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन जो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह है उनके बयान के अनुसार कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। तब क्या कहा है पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने? तो भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों का चक्रानुक्रम आरक्षण शून्य करके नए सिरे से आरक्षण तय करने का काम किया गया था। लेकिन पिछले 5 चुनावों से जिला व क्षेत्र पंचायत में चक्रानुक्रम आरक्षण जारी है। आगे उन्होंने साफ कहा कि जिला व क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों की सीटों का आरक्षण नए सिरे से तय किया जा सकता है। यानी कि पिछली बार जो आरक्षण था आपके सीट पर, वो इस बार पूरी तरीके से बदल सकता है, ऐसा कहा गया है पंचायती राज मंत्री द्वारा। अब अगले सवाल पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आखिर होंगे कब? तो आपको बता दें, पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव समय से कराना सरकार की प्राथमिकता है। अनुमान है कि चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में करा लिए जाएंगे। अगले 21 दिन की अधिसूचना पर जिला पंचायतों के अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों का चुनाव संपन्न कराने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इसके ऊपर फैसला कब आएगा। तो कल 10 जनवरी को ही एक अहम बैठक होने वाली है। हो सकता है कि उसमें एक बड़ा फैसला आ जाए और इस अहम बैठक में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इस बार जो खर्चने की सीमा है वो कितनी रहने वाली है। तो चुनाव आयोग 2015 की नियमावली का पालन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार 75,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। वह जिला पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा 1,50,000 होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेगा वह 4,00,000 से अधिक खर्च नहीं कर पाएगा। खर्च पर निगरानी रखने के लिए जिलों में टीमें गठित की जाएगी। एक बार फिर से हम आरक्षण के मुद्दे पर आना चाहेंगे। तो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबरें आ रही है उनके अनुसार ये लग रहा है कि पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन क्षेत्रों में इस बार इन जातियों के लिए आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा। जी आप सही सुन रहे हैं, जो पिछली बार जो 25 सालों से जो ओबीसी के लिए रिजर्व रह रहे हैं, जो एससी के लिए रिजर्व रह रहे हैं, हो सकता है कि इस बार उनमें बदलाव हो जाए। यह व्यवस्था एससी एसटी के लिए आरक्षित रहे क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है। इस संबंध में जल्दी शासन के निर्देश जारी हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कल अहम बैठक होगी, इसमें कई सारे फैसले हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन्हें भी जानकारी मिल सके। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।